इंदौर में एक साल पहले हुए बावड़ी कांड में पुलिस ने मंदिर प्रशासन से जुड़े दो लोगों को हिरासत में लिया। मामले में डीसीपी की टीम ने शुक्रवार सुबह दोनों को घर से ही हिरासत में लिया है और पुलिस की एक टीम दोनों को लेकर डीसीपी के ऑफिस पहुंची थी। यहां गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल परीक्षण कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जूनी इंदौर में हुए बावड़ी धंसने से 36 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। पुलिस ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों पर FIR की थी, जिसमें सेवाराम और मुरली को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में डीसीपी ऋषिकेश मीणा की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया। पुलिस मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर सकती है।